तो गाइस सुमित भाई अभी लेके आए हैं अपनी वाली गाड़ी, पहचानी आप लोगों ने गाड़ी? तो गाइस अभी ना टाइम हो चुका है 9:40 और अभी भी हम वहीं पे हैं और अराउंड मेरे को लगता है 12 बजने वाले। और यार मैं ना आप लोगों को बार बार टाइम इसलिए दिखाता हूँ कि नहीं तो आप बोलते हो कि यार टाइम दिखाया करो, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाते, इसलिए आप लोगों को ना टाइम दिखाता हूँ। तो गाइस अभी ना मेरी जॉब लग चुकी है यहाँ पे ना, ये वाली मशीन दे दी है मेरे को, किसी ने कुछ चिल्लाना है कुछ करना है ना तो आ जाना मेरे पास, ठीक है? स्पेशल यार मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा कितनी देर का टाइम है ना, अब जितना भी लगेगा मैं फाइनली दिखाऊंगा आपको कि भाई इतना टाइम हो गया और इस टाइम पे काम खत्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सर अभी मेरी आंखें देखें तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज नहाया नहीं हूँ यार। एक्चुअली ना 9 बजे हम लोगों को वहाँ पहुँचना था कुल्लू आज तरपाल लगाने के लिए, बट 9 बजे मैं सो के ही उठा हूँ और सो के भी तब उठा जब बंटू भाई का फ़ोन आया मेरे को, पता है? बंटू भाई ने कॉल करके मेरे को पूछा कि उठ गया तू, रेडी हो गया है, बट मैंने कहा मैं तो अभी सो के ही उठा हूँ, तो अभी ना मैं नहाया नहीं हूँ आज, कुछ टाइम नहीं है मेरे पास। तो जल्दी जल्दी उठ के मुँह हाथ धोया, धोए मैंने, ब्रेकफास्ट किया और अभी वीडियो अपलोड करने बैठ गया हूँ मैं, बस सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वीडियो अपलोड करना। वीडियो अपलोड करूँगा तभी तो आप लोग देख पाओगे, ठीक है? तो चलो जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, उसके बाद निकलते हैं, ठीक है? रास्ते के सीन्स आपको रास्ते में दिखाऊंगा मैं, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अभी, लेट्स गो। तो गाइस कुछ इस तरह का लुक आ रहा है अभी गाड़ी में, और रात को आपको दिखा नहीं पाया मैं ना, बट अभी जब तरपाल लगेगा और अच्छा हो जाएगा यार, अभी उतना पता नहीं चल रहा है इसमें, काफ़ी सही हुआ है काम। टिप्सी ओ जूही, गुड मॉर्निंग। हेलो, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बोल रही है। तो गाइस अभी ना हम लोग आ चुके हैं जिप्सी के पास अपनी, उसमें एक्चुअली ऊपर गत्ता लगाने को था वो लगा दिया है, इसके बाद हम डायरेक्टली निकलेंगे हम कुल्लू के लिए, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 9 बजे बुलाया था और 10:30 बज गए। सर दोनों गाड़ियाँ हो चुकी है रेडी, और ये ना एक्चुअली बंटू भाई का सामान है, हमने कुल्लू में छोड़ना है और वो भी हो चुकी है रेडी। तो यार अभी ना हम लोग आए हुए पेट्रोल भरने के लिए, बिकॉज बहुत पीती है जिप्सी, बहुत पीती है भाई, जिसके पास जिप्सी होगी ना उसको पता होगा। तो गाइस मैंने ना अभी 1001 का पेट्रोल डाला हुआ है शगुन के साथ, बंदा भी हंस रहा था मेरे को कि 1001 का डाल रहा है भाई। गाइस मेरे ना 4x4 से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, जैसे कि आपको पता है उस दिन ख़राब हो गया था ना, तो अभी आपको पता ही सुनाई दे रहा है कि नहीं है, देखो ये देखो ना बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग साउंड है यार, मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही है ऐसे इसमें। अब ये तरपाल वगैरह का काम करने के बाद मैं सबसे पहले यही काम करूँगा, ये ज़रूरी है, सर्दियाँ आने वाली है तो 4x4 ठीक से यार, सर्दियों से पहले मेरे को सारा काम करा के रखना पड़ेगा। तो गाइज मैं अभी वर्कशॉप आया हुआ था पतलीकुल में, एक्चुअली मेरे को ना अपने 4x4 का जो काम कराना है वो मैं काम यहीं पे कराता हूँ पतलीकुल में ही, तो अभी 1-2 दिन बोला है इन्होंने, अभी तो टाइम नहीं है, 1-2 दिन बाद आना का, तो 1-2 दिन बाद देखते हैं कॉल करेंगे उसके बाद आएंगे ना, तो अभी चलते डायरेक्ट कुल्लू। तो गाइज अभी ना टाइम हो गया अराउंड 11 और अभी जाके हम लोग कुल्लू पहुँचे हुए हैं ना, और ये वो जगह है जहाँ पर हम लोगों ने लगाना है, एक्चुअली सीट कवर की दुकान है बट यहीं पे हम लोग तरपाल लगाएंगे ना, तो एक बार दिखा देते हैं ना आगे के सीन्स, उसके बाद जो भी होंगे जैसा भी तरपाल लगाएंगे कलर वगैरह चूज़ करेंगे हम ना, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं आगे, ठीक है? तो गाइस अभी ना यहाँ पे एक्चुअली 2 कलर्स हैं इनके पास, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, और कुछ कपड़ा इस तरह का है यार, ये वाला काफ़ी सही लगा मेरे को, तो देखते हैं अभी। तो गाइस अभी अपनी धनों का नाप लिया जा रहा है, कपड़े बना रहे इसको, तो यार अभी ना भाई को काफ़ी डिटेल में नाप लेना पड़ रहा है, देखो जैसे कि। तो गाइस अभी ना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है और बंटू भाई और मैं जा रहे हैं कुल्लू तक, थोड़ा सा काम है सामान, एक तो ये ट्रंक छोड़ना है ना, ऊपर से सामान लाना है, तो चलो। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक पतली सी गली में घुस गया है, सामान छोड़ने जाना है एक्चुअली हमने, यार जिप्सी का ये फ़ायदा है यार जहाँ मर्जी घुस जाती है, ये देखो ये तो बिल्कुल ही पतली आ गई। तो गाइस अभी ना हम लोगों ने सामान वगैरह छोड़ दिया है और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अभी हम जाएंगे डायरेक्ट तरपाल वाले के पास ना। तो गाइस अभी ना बंटू भाई ने बहुत सही स्टिकर मंगाया है अमेज़ॉन से, ये देखो क्या बढ़िया चीज़ है, मेरे को मंगाना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो गाइस अभी ना 12 बज चुके और चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा था, गाइस भाई तो अभी वहाँ पे सिलाई कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हमने कहा तब तक चाय पी लेते हैं हम लोग ना। ओए गाइस हमको ना हर जगह देखो पपीज मिल जाते हैं, हेलो क्या हुआ। तो भाई हमने ना कम से कम आधे घंटे पहले ऑर्डर दिया हुआ चाय का, और आधे घंटे बाद भाई आवाज़ डाल रहा है परे से, तरपाल का भी होने वाला है थोड़ी देर में, तो पहले चाय पी लेंगे हमने। तो यार गाइज अभी ऑलमोस्ट होने वाला है काम, ठीक है? मेरी वाली का होने वाला है, उसके बाद बंटू भाई की होगा, अरे जितने भी हमारे दोस्त हैं ना सारे का यहीं पर काम कराने के लिए आते हैं, तो आप में से भी किसी ने काम कराना तो यहीं पर आना, एंड में दूंगा मैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा और सब कुछ दे दूंगा,
शॉप की फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा और एग्जैक्टली मैं सब कुछ एंड में ही बताऊंगा कि कहाँ पे शॉप है, क्या है। तो जिसने भी काम कराना है कुल्लू मनाली में करवा लेना। और ये हाफ तरपाल भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, हाफ भी बना दोगे आप सब कुछ ना, बकेट सीट कुछ भी आपको काम है ना सीट से लेके। तो यार अभी ना तरपाल बना दिया और अभी फिटिंग चेक कर रहे हैं एक्चुअली आगे से, और क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है यार, एक बार जब लगेगा ना उसके बाद पता चलेगा। पानी तो नहीं आएगा अंदर से? नहीं नहीं आएगा ना, गारंटी दे रहे हैं, देख लो। तो भाई मेरे साथ ना फिर से यार पोपट हो गया, डेली पोपट हो रहा है यार। यहाँ देखो ये आपको खिड़की दिख रही है यहाँ पे, ये एक्चुअली छत की एज है ना, ये थोड़ी यहाँ पे गैप होना चाहिए था और यहाँ आनी चाहिए थी, बट ये ऊपर ही चिपक गई। भाई ठीक करेंगे बोला, इसको करोगे ना? बिल्कुल सर भाई ठीक करेंगे इसको अभी ना, नहीं तो ऐसे अजीब लगेगा यार। तो यार मेरी वाली गाड़ी का तो नाप वगैरह ले लिया था, तरपाल भी बना दिया, बस उसमें खिड़की की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो ठीक कर रहे हैं। और अभी ना बंटू भाई की गाड़ी का नाप लिया है, वैसे तो सेम ही है, बस बंटू भाई ने क्या किया ना, ये वाली जो रॉड है मेरी सीधी है, ये थोड़ी सी आगे को की हुई थी, तो वो एक बार चेक कर रहे थे ना। तो यार अभी ना 3 बज गए और भूख लग गई यार, अदरवाइज़ पता है डेली आपको पता है लंच हम कर नहीं पा रहे काम के चक्कर में, बट आज ऐसा वैसा नहीं करेंगे हम, आज हम कुछ खाएंगे। तो अभी हम जहाँ हमने पहले चाय पी हुई थी ना वहीं पे हम लोग आ गए खाने के लिए कुछ, तो भाई को पूछते भी क्या क्या खाने को मिलेगा। तो गाइस सुमित भाई अभी लेके आए अपनी वाली गाड़ी, पहचानी आप लोगों ने गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस गाड़ी के लिए मेरे को, ये आ गई वापस। बट यार अब इसकी हालत थोड़ी मेरे को डिफरेंट सी लग रही है, इन्होंने यहाँ पे भी सिल्वर कर दिया है, पहले जैसी नहीं है, जैसी आप लोगों ने मेरे इंस्टा वगैरह पे देखी हुई है, मेरे ब्लॉग्स में देखे ना वैसी नहीं रही अभी। तो गाइस मैं ना अभी अपनी पुरानी वाली जिप्सी की टेस्ट राइड लेने के लिए आया हूँ। एक्चुअली मैंने किसी बंदे जिस बंदे को सेल की हुई थी उसने 4x4 ख़राब कर दिया इसका, और तो बहुत बुरे हाल कर दिया यार, दुख हो रहा है मेरे को देख के। तो अभी मैं टेस्ट राइड ले रहा हूँ, बट यार जो पावर इस गाड़ी में ना भाई वो पावर किसी गाड़ी में नहीं हो सकती, आज तक मैंने इतनी जिप्सियाँ चलाई हुई है। यहाँ देखो पावर भाई, अभी ना एक्चुअली 4x4 का काम तो मेरे को करवाना ही है। तो एक्चुअली यहाँ पे आगे ना सुमित भाई का फ्रेंड एक जिन्होंने जो भी सिल्वर वाली जिप्सी की हुई है वो फक ये ठीक कराना ही पड़ेगा, वो एक बार चेक करा लेते हैं वहाँ जाके हम ना, कि हैंड ब्रेक ये किसी को पता नहीं चलता यार, तो एक बार चेक करा के आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो भाई अभी ना भाई टेस्ट राइड करेगा, साउंड देखेंगे अभी क्या कितना है, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा साउंड लगता है यार। और अभी ना यार तरपाल, वो लोग तरपाल की वो कटिंग कर रहे थे जो उन्होंने खिड़की ख़राब कर दी थी, तो मैंने कहा तब तक हम पास में ही हैं, मैंने कहा चेक करवा देते हैं तब तक हम लोग ना, बिकॉज़ यार बार बार मैं मनाली से आ नहीं सकता हूँ, अभी बंटू भाई और मैं दो है ना, दो गाड़ियाँ हमारे पास है, तो मैं सोच रहा हूँ तरपाल लगाने के बाद ना यहीं पर छोड़ दूंगा मैं, और एक या दो दिन में ठीक कर देंगे, जैसे ठीक होती है उसके बाद मैं लेने के लिए आता हूँ इसको ना। तो अभी टेस्ट राइड ले रहे हो, तो अभी ना भाई आ चुके हैं गाड़ी चेक करके, और यार काफ़ी दूर से लेके साउंड आ रहा था इसका, फिल्टर का साउंड अच्छा है यार, हो जाएगा रिपेयर, हो जाएगा चलो हो जाएगा ठंडा। तो गाइस अभी आ गया हम लोगों का लंच, और लंच हो रहा है हमारा 3:47। तो गाइस खाना वगैरह हम लोगों ने खा दिया है, और ये देखो कैसे उछल रहे हैं। हाँ जी कपड़े गंदे करो, कोई बात नहीं, दांत मार रहे, क्या हुआ। तो गाइस खाना वगैरह हम लोगों ने खा दिया है ना, और जल्दी काम करते हैं ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम रात को अदरवाइज, और मनाली पहुँचना ऊपर से हमको। और ये देखो सारे पीछे आ रहे हैं मेरे, देखो इनको, ओए क्या हो गया, सीट कवर लगाने तुम लोगों ने भी हैं, चलो बाय 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 बाय। हेलो बडी, हेलो हेलो प्यारे, हेलो ओले ओले ओले। इसको देखो कैसे बैठ गया, ये देखो टांगे फोल्ड करके आ रहा है, शेर आया देख, शेर आ गया, चल फाइट करते हैं, चल शेर, हेलो बडी हेलो। तो गाइस अभी बस फाइनल पीछे के जो दरवाजा है उसकी सिलाई हो रही है अभी ना, अब तो आपके साथ रह गए, मैं भी सीख गया ना जी, बंटू वाले तरपल मैं ही सिल लूँ है ना, अगला तरपल मैं सोच रहा हूँ मैं ही सिल लेता हूँ। तो गाइस अभी ना मेरी जॉब लग चुकी है यहाँ पे ना, ये वाली मशीन दे दी है मेरे को, किसी ने कुछ सिलाना है कुछ करना है ना तो आ जाना मेरे पास, ठीक है स्पेशल डिस्काउंट। फिर आज की ना वो तीसरी चाय है ना, पिछले कल तो पता नहीं कितनी पी गया था मैं, 6 के साथ अभी ठीक बनाई है भाई ने, सुबह मीठी कर दी थी, चला गया। गाइज अभी ना 6 बज गए, और अब जाके मैं तब से लेके आप लोगों को बोल रहा हूँ कि काम हो गया, अब जाके मेरे तरपाल का हो गया है, इसके बाद बस फिटिंग करनी रह गई है, उसके बाद मेन टास्क तो है कि बंटू भाई की गाड़ी का भी करना है। अभी हमने गाड़ी ऐसे लगा दी यार, मेरी वाली गाड़ी है और बंटू भाई की गाड़ी हमने आगे लगा दी है, तो जैसे इसमें भी तरपाल फिट करेंगे ना उसके बाद डायरेक्टली हमने उसमें फिट करना है। गाइज अभी हम ना चेक कर रहे हैं कपड़ा कैसा है ना, फटेगा कि नहीं, चलो देखो खींच के बीच में छेद किया है, फट गया
तो गाइस अभी ना हम लोग आए हुए हैं सिड्डू खाने के लिए यार। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और हमारे मेरी गाड़ी में भी वो लगे हुए हैं और बंटू भाई की गाड़ी का ना वो तरपाल काट रहे हैं। गोद में बैठ गया, देखो उई गोद में बैठ गया। तो गाइस अभी ना सिड्डू आ चुके हैं, फिर अभी ना वहाँ से सिड्डू वगैरह खा के तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और अभी भी मेरा ही तरपाल रेडी हो रहा है। हुआ नहीं, अभी लास्ट सिलाई रह गई ना, तो अभी सिर्फ लास्ट सिलाई रह गई यार, उसके बाद बंटू भाई का। फिर अभी ना दो मिनट के लिए मैं स्कूटी में गया पर तक और बुरे हाल से ठंडा हो गया मेरे को, अंदर बैठ के फील नहीं हो रहा था वो मेरे को। अब मैं कैप कूप लगा के बैठा हूँ और मेरी वाली गाड़ी में तो तरपाल ना फिट कर रहे हैं, अभी साइड से नट वगैरह लगाने हैं। और बंटू भाई की जिप्सी में ऊपर वाला तरपाल कर दिया इन्होंने, साइड वाला भी कराना है, ठीक है। तो गाइस हम लोग ना काम करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि 8 बजे मेरी वीडियो ने लाइव आना था, वो उस टाइम मैंने ना प्राइवेट ही रख ली, टाइमिंग मैंने सेट नहीं की थी 8 बजे की। और जैसे ही 8:25 हुए ना, 20 या 25 मिनट हुए थे, मेरे को कमेंट आ गया एक बंदे का कि भाई वीडियो आज आएगी कि नहीं आएगी। फिर वैसे ही मैंने थोड़ी सी लेट हुई है वीडियो आज मेरी 15-20 मिनट कज़ यार। अभी हम यहीं पर, टाइम देख लो आप, टाइम अराउंड हो चुका है 8:41। तो गाइस अभी ना टाइम हो चुका है 9:40 और अभी भी हम वहीं पे हैं और को लगता है आज ना 12 बजने वाले हैं हम लोगों को यहाँ पे। और अभी भी काम चला हुआ है अंदर, अभी ना फिटिंग वगैरह इसकी पूरी ले ली है, ऊपर से तो रेडी है ना, साइड वाली भी फिटिंग लेके अभी सिलाई करेंगे। आ जा आ जा आ जा आ जा, छोटे छोटे बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए, चलो घर चलना मेरे, ओए घर चलना मेरे, चलना मेरे घर चलना, चलना 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 मेरे घर चलना, वहाँ पे भी है तुम आए तरह बड़े बड़े। तो ये लग चुका है तरपाल, ओके जी लाओ पीछे को इसको। तो गाइस अभी ना टाइम हो गया 10:26 और यार मैं ना आप लोगों को बार बार टाइम इसलिए दिखाता हूँ कि नहीं तो आप बोलते हो कि यार टाइम दिखाया करो टाइम दिखाया करो, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाते, इसलिए आप लोगों को ना टाइम दिखाना पड़ता है। और अभी भी फाइनल सिलाई हो रही है, फाइनल सिलाई हो रही है ना, ये फाइनल सिलाई करने के बाद डायरेक्टली अब हम गाड़ी के ऊपर फिटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम बचा हुआ है हमको शायद से, और उसके बाद यार मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा कितनी देर का टाइम है ना, अब जितना भी लगेगा मैं फाइनली दिखाऊंगा आपको कि भाई इतना टाइम हो गया और इस टाइम पर काम खत्म हो गया, ठीक है। तो गाइस मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना मेरे को नए नए सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, देखो मेरी वीडियो चली है, वो यार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना नए नए सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। डिनर भी मेरे को लगता है अब घर जाके ना 1 बजे ही होगा, यहाँ से कुल्लू से 1 घंटा लगेगा मनाली पहुँचने के लिए, रोड तो वैसे खाली मिलेगा, जल्दी जल्दी जाएंगे थोड़ा एक बार फ्री तो जाए यहाँ से। और यार मेरे को लगता है ना आज का व्लॉग घर जाके ना 1 या 2 बजे एंड होने वाला है, और एडिटिंग भी नहीं की हुई है, सुबह उठ के बहुत कष्ट होने वाला है मेरे को यार। और कल का दिन ना काफ़ी लेट स्टार्ट होगा, ठीक है, बिकॉज घर जाऊँगा फिर सोऊँगा कब, एडिटिंग कब करूँगा, तो कल हम 12 बजे के बाद व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो एक बार ये काम ख़त्म कर दे, फिटिंग कर रहे हैं अभी ना, बाकी काम हो चुका है, फिटिंग करनी है अभी, उसके बाद एंड में अगर कुछ कमी रहेगी तो ये वो चेक करेंगे। गाइस अभी ना टाइम हो गया अराउंड 12:36 और ना अब जाके गाड़ियाँ कंप्लीट हुई है यार, बंटू भाई की गाड़ी का लुक कुछ ऐसा है, अभी तो आप लोगों को दिखेगा नहीं ना, मैं आपको बेटर सुबह ही दिखाऊंगा, ठीक है, फाइनल लुक जो भी होगा। और यार काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है यार, अगर किसी को भी करवाना है ये काम, कुल्लू मनाली में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे काम होता है ये, एक्चुअली कुल्लू से पहले एक जगह आती है वाशिंग करके, वहाँ पे ह्यूंडई के शोरूम के साथ ही है, टाटा मोटर्स के साथ ना, टाटा मोटर्स के साथ ही है ये। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डालने की ज़रूरत तो है नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइएगा, मेरे रेफरेंस से कोई आएगा डिस्काउंट मिलेगा, देखो डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा बुरा ना, पक्का मिलेगा, ठीक है। चैनल का नाम ले लेना आपने ना, गाय फ्रॉम मनाली ने भेजा हुआ है, तो आ जाना, काम अच्छा करते हैं यार, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी तरपाल की, आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुल्लू मनाली में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे तरपाल का काम होता है, और कोई नहीं करता यार, मनाली में तो कोई भी नहीं करता, कुल्लू में तो पता नहीं। तो चलो यार इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं हम लोग ना, एक हम लोगों को यहीं पे बच गया, डायरेक्टली घर चलता हूँ मैं ना, और घर पे मिलता हूँ आपको, और इस ब्लॉग को घर जाके मैं एंड करता हूँ, ठीक है, बाय बाय। तो गाइज मैं ना जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ और टाइम हो चुका है अभी 1:31 और यार अब मेरी हालत नहीं हो रही पता कुछ करने की, वैसे डिनर मैंने किया नहीं, उसने वहाँ पर सिड्डू ही खाए थे, बट हालत नहीं अब डिनर करने की मेरी, तो मैं ना सोने लगा हूँ अब, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल, और कल मेरी काफ़ी लेट होने वाली है बिकॉज मैं सोने वाला हूँ 12 बजे तक, सुबह नहीं यार सुबह उठना पड़ेगा जल्दी यार, एडिटिंग करनी है मेरे को, सबसे मेन काम मेरा यार। तो देखते सुबह 10-11 बजे उठेंगे, उसके बाद दिन स्टार्ट करेंगे अपना 12 बजे से। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।